फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गामा फंक्शन होता क्या है। तो द गामा फंक्शन डिनोटेड बाय गामा एन, इसको हम क्या रीड करते हैं, रीड एज गामा एन, इज डिफाइंड बाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल। गामा एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये गामा एन का फार्मूला होता है। इस फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि जीरो टू इनफाइनाइट इसकी लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है, इसलिए इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोला गया है। ये प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में नहीं आता। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एन है, जो गामा एन है, एन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपसे पूछा जाए कि गामा थ्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको क्या डिफाइन करोगे, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर थ्री माइनस वन डी एक्स। मतलब जो यहाँ एन होगा वही यहाँ गामा एन होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम इसको गामा एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो गामा एम इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू डी एक्स। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, मतलब यदि आपको एक्स की पावर एन माइनस वन या एम माइनस वन की वैल्यू पता है, तो आप वहाँ से गामा एन इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन करे हुए। तो आइए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, गामा एन की प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी है गामा वन इक्वल टू वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, या इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गामा एन अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो आइए हम इसका डेरिवेशन सीखते हैं, प्रूफ करना सीखते हैं कि गामा वन कैसे इक्विवेलेंट होता है वन के इक्विवेलेंट होता है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम गामा एन की डेफिनेशन जानते हैं। वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब ये जो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ आपको क्या वन चाहिए, तो पुट एन इज इक्वल टू वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। जहाँ जहाँ एन होगा आप क्या रिप्लेस कर देंगे, वन पुट कर देंगे। तो गामा वन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन की जगह वन माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, गामा वन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर जीरो डी एक्स। हम सब जानते हैं एक्स की पावर जीरो दैट मीन्स वन, और वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स में, तो आल्सो ई टू द पावर माइनस एक्स आपको मिलेगा। तो गामा वन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। हम सब इंटीग्रेशन जानते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स का कितना होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट, लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट हम सब जानते हैं अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ जीरो। दैट मीन्स क्या आपको मिल जाएगा, माइनस वन अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट प्लस ई टू द पावर जीरो दैट मीन्स वन, और ई टू द पावर इनफाइनाइट दैट मीन्स जीरो प्लस वन ऑलवेज वन। तो बिकॉज जो वन अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट है, तो वन अपॉन ये होगा ई की पावर इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। तो आज प्रूफ हो गया कि गामा एन इक्वल टू
वन। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, गामा एन प्लस वन इक्वल टू आपको प्रूफ करना है एन गामा एन में। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी गामा एन प्लस वन आपको प्रूफ करना है एन गामा एन। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे गामा एन बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। हम देख रहे हैं कि हमको गामा एन प्लस वन प्रूफ करना है, तो एन इज रिप्लेस बाय एन प्लस वन। तो सम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप क्या पुट कर दोगे, एन इक्वल टू एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे। लेट एन इक्वल टू एन प्लस वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, गामा एन की जगह गामा एन प्लस वन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन की जगह एन प्लस वन और माइनस ऑफ वन इंटू डी एक्स। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गामा एन प्लस वन एज इट इज रहेगा, जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन एंड माइनस वन इज कैंसिल देन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। अब यहाँ आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मिल गया, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगा दीजिए। तो गामा एन प्लस वन आपका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट दी सेम दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स, फर्स्ट दी सेम, फर्स्ट आप किसको मानेंगे, फर्स्ट आप इसको मानेंगे एक्स की पावर एन को और सेकंड आप मानेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स को। तो फर्स्ट दी सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और लिमिट क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट मीन्स दिस इज एक्स टू द पावर एन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और होल अगेन डिफरेंस जीरो टू इनफाइनाइट, लिमिट कितनी आएगी जीरो टू इनफाइनाइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एज इट इज रहेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स देन लिमिट पुट करेंगे जीरो टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स, ये दो माइनस मिलके मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन देंगे। तो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू इन माइनस एक्स की पावर एन ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो टू इनफाइनाइट, ये दो माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एन इज कांस्टेंट बाहर कर लीजिए एन ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स एन माइनस वन डी एक्स। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, देखिए जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की पावर इनफाइनाइट ई टू द पावर इनफाइनाइट पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसी प्रकार जब जीरो पुट करेंगे तो सारी बात, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि वी नो दैट माइनस एक्स की पावर एन ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, जीरो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में गामा एन प्लस वन इक्वल टू जीरो प्लस एन और जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स माइनस वन डी एक्स, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि दिस इज अ गामा ऑफ एन। तो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन और एन गामा एन को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन भी लिख सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि पूछा जाए कि गामा फाइव की वैल्यू कितनी होगी गामा में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फाइव गामा फाइव की वैल्यू क्या है ना, तभी आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। तो सबसे पहले आप फाइव को क्या लिख सकते हो, फोर प्लस वन, फाइव को क्या लिख सकते हैं, फोर प्लस वन और इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन इज फोर, तो फोर गामा फोर।
फोर गामा फोर, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि पूछ ले कि गामा टेन की वैल्यू क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 + 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 γ 9, या फैक्टोरियल ऑफ 9 भी हम इसको लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, गामा एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गामा एन अपॉन ए की पावर एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गामा एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस ऑफ ए एक्स ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स एंड ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गामा एन की डेफिनेशन यूज होगी, तो सॉल्यूशन में गामा ऑफ एन इज वी नो दैट 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन हमको क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए, मतलब एक्स को हम रिप्लेस कर दें एक अनदर वेरिएबल से, ए वाई से रिप्लेस कर दें। तो लेट लेट एक्स इक्वल टू ए वाई, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई। लिमिट चेंज कर दीजिए, जब एक्स जीरो वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जहाँ जीरो पुट करेंगे तो वाई भी क्या मिलेगा, जीरो, इम्प्लाइज दैट वाई आल्सो जीरो। और जब आप एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वाई भी क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब लिमिट कोई भी चेंज नहीं होगी। तो आइए ये जो वैल्यूज आपको मिली हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, गामा एन इज इक्वल टू 0 to ∞ ई टू द पावर, एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, ए वाई, तो माइनस ऑफ ए वाई, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए वाई होल टू द पावर एन माइनस वन, और डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ए इंटू डी वाई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, गामा एन इज इक्वल टू 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस ऑफ ए वाई इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए डी वाई, इसको ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट गामा एन इक्वल टू 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस ए वाई एज इट इज रहेगा, और ये y टू द पावर n माइनस वन ये भी एज इट इज रहेगा, इसमें बेस सेम है तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर n माइनस वन और प्लस ऑफ वन इंटू डी वाई, तो आपको क्या मिलेगा, गामा n इज इक्वल टू 0 to ∞ e टू द पावर माइनस ए वाई y टू द पावर n माइनस वन इंटू ए टू द पावर n, प्लस वन एंड माइनस वन इज कैंसिल इंटू ऑफ डी वाई, या ए टू द पावर एन इज कॉन्स्टेंट, तो ए की पावर एन इसकी मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड शिफ्ट होगी तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगी, तो गामा एन ए टू द पावर एन इक्वल टू 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस ए वाई वाई टू द पावर एन माइनस वन डी वाई। देखिए हमको यही प्रूफ करना था। अब यहाँ वाई की जगह एक्स है, ये एक्स की जगह वाई है, तो रिप्लेस कर दीजिए, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, तो y इक्वल टू x रख दीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी गामा n अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू 0 to ∞ e टू द पावर माइनस ऑफ ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।